वाल्मीकि रामायणम बालकाण्डम द्वितीयः सर्गः नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्यविशारदः पूजयामास धर्मात्मां सहशिष्यो महामुनिम् यथावत् पूजितस्तेन देवशीर्ण नारदस्थता आपृछवाभ्युत स जगाम विहाय समूर्त गते तस्वोक मुनिस्था जगाम तमसा तीर जाहव्यादूर सतु तीर सामसाध्य तमसाया मुनिस्था शिष्य मह दृष्ट्वा तीर्थमख कर्थमम् अकर्तममिदं तीर्थे भरद्वाजनिशामय रमणीयं प्रसन्नाप्सु सु प्रसन्नाम। प्रसन्नां प्रसन्नां तु सन्मनुष्यमनो यथा न्यस्यतां कलशस्थात्ततां वल्कलं मम इदमेवावगाहिष्ये तमसाथी तमुत्तमं ये वमुक्तो वा बर्द्वाजो वाल्मीके न महात्मना प्रायच्छन सुनेस्तस्य वलकलम् नियतो गुरोः सशिष्यः स्तादाताय वलकलम् नियतेन्द्रियः विचारः पश्यन्स्तत् सर्वतो विपुलं वनम् तस्याभ्यासे तु विभु मिमिथुनं चरन्त मनमायि मन तस्याभ्यासो तस्याभ्यासे तु नि वि मिथुनं चरन्तमनपायिनं ददश भगवान्स्तत्र कौञ्चयोश्चरिचारुनिस्वनम् तस्मात् मिथुना पाप निश्चय झगान वैर निलो निषादस्थ्य पश्यत तम शो नित पृत्तांगं चेष्टम महितले भार्ह दृष्ट्वाकुणा गिर वियुक्ता पति द्विजन ताम्रशीषे न मत्तेन पत्रिना सहितेन वै यथा विधं द्विजं दृष्ट्वा निषादेन निपांतितं धर्मात्मनस्तस्य कारुण्यं समपद्यत तत करुणवेदित्वा धर्मोऽयमिति द्विजः

तस्येत्तं ब्रुवताश्चिन्ता बभूव हृदि वीक्षितः नास्य शकुने किमिदं व्याहृतं मया चिन्तयन् स महाप्राज्ञश्चकारमतिमान्मतिं शिष्यं चैवाब्रवीत् वाक्यमिदं स मुनिपुङ्गवः पादवद्धोक्षर समन्तन्त्री लयसम शोकात प्रवृत् मे श्लोको नान्यता शिष्यस्तुत तस्य भ्रुवतो मुने वाक्यमुतम प्रतिजगा

भरद्वाज शिष्यो शिष्यों विनीत श्रुतवान् गुरो कलशम पृष्ठ नु जगा श्याश्रम पदम शिष्य सह धर्मवी उपतांचनमस्जगा तथा तो ब्रह्म लोककर्ता स्वयं प्रभु चतुर्मुखो महातेज द्रष्टुम तम मुनिपुंगव वाक वाल्मीकि दृष्ट सहसोत्थ वागत प्राजलिप्रय तो भूत तस्थौ परम विस्म पूजया दिव पाद्याध्यासनवन्दनैः प्रणम्य विधिवच्छैनम् पृष्ट्वो चैव निरामयम् अथोपविश्य भगवानासने परमाचिते वाल्मीकये च ऋषये सन्धिते शासनम् ततः ब्रह्मणा समनुज्ञातः सोऽप्युपाविश दासने उपविष्टे तदा तस्मिन् साक्षाल्लोकपितामहे तद्गते नैव वा मनसा वाल्मीकिध्यानमास्थितः पापात्मना कृतं कष्टं वैरग्रहणबुद्धिना यत्तादृशं चारुव चारुरवं क्रौञ्चं हन्यादकारणात् शोचन्नि वपुनह क्रांचि मुपप्लोकमि मम जगो पुनरंतर गमा गतमना भूतवा शोकपरायन है तमुवाचतो ब्रह्मा तत तमुवाचतो ब्रह्मा प्रहसन मुनि पुंगवम् लोके बद्धो नात्र कार्याविचारणा मच्छन्दा देवते ब्रह्म ब्रह्मन् प्रवृत्तेयं सरस्वती रामस्य चरितं कृत्स्नं कुरु त्वामुषित सत्तमा धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमतः वृत्तम कथय धीरस्य यता ते नारता श्रुतं च प्रकाशं च यदृष्टं तस्य धीमतः रामस्य सह सौमित्रे राक्षसना चर्वश वैदेह्या युत प्रकाशम यदि वरह ते विदिम न नए वाघनुता का्ये काचिद्र भविष्यति कुरु न रामकथां पुण्यां श्लोकवद्धां मनोरमां यावत् स्थास्यन्ति गिरय सरितश्च महीतले तावद्रामायणकथा लोकेषु प्रचर प्रचरिष्यति यावद्रामस्य च कथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति तावद्धर्मश्च त्वं मल्लोकेषु निवस्यसि इत्युक्त्वा भगवान् ब्रह्म भगवान् ब्रह्म तत्रैवान्तर्धीयत ततस असशिष्यो भगवान मुनि विस्मय मययो शिष्यास्थत सर्वे जगु पुनः मुहुर मुहुर्मुहु प्रियमाना प्राहुश्च प्राहुश्च वृष विस्मिताः समाशयस्य चतुर्भीयः अपादैगीतो सोनु सोनुव्याहरनात् भूय शोके शोकश्लोकत्वं तस्य बुद्धिरियम जाता महर्षे भावितात्मनः कृष्णं रामायणं काव्यं मीदृशै करवान्यहं उदारवृत्तार्तपदै मनोरमैस्तदास्य रामस्य च कारकीटीमान समासमाशे uh, श्लोकशतै यशस्विनो यशस्करं काव्यमुद रदशनह तदुपगत समास समा संधि योगम सम मधुरोपनताक्यवाक्यवधम रघु रग, रघुवर चरित मुनि प्रणीत दश शिशम निशाध्वम इशे श्रीमद्रायणे वाल्मीक आदि का्ये बालकांडे